वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रुप फिटनेस वॉल। तो आज का वीडियो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, और ये कुछ कपड़े हैं जो मुझे सिलाई करने के लिए दिया गाइस। ये सब दीदी बुआ वो लोग मुझे सिलाई करने के लिए दिया है, और ये सब कुछ ब्लाउज पीस है, और यहाँ में है कुछ यहाँ में भी ब्लाउज पीस है, फिर हम लोगों के जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो सब है। तो ये सब कपड़े हैं जो मुझे सिलाई करना है, और यहाँ में 10 कपड़े हैं सब मिला के, और मुझे ये सब सिलाई करना है तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है गाइस हम लोगों के ट्रेडिशनल ड्रेस, और हमारे लैंग्वेज में इसको पीनी बोलते हैं, और आप लोग इसको मेखेला समझ सकते हैं, मेखेला ही है ये। तो इसको मुझे अभी काट करना है यहाँ बीच में से, इसको काट करने के बाद इसको फिर सिलाई करना है। अभी मैं करूँगी सिलाई, और आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ में 2 है जो मैंने बीच में काट दिया था। तो ये ना मतलब 2 मिला के यहाँ बीच में से सिलाई करना है। तो ये भी हम लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस है गाइस, और इसको पेकॉक बोलते हैं जो पीनी के ऊपर पहनता है वो वाला। और ये ना पूरा सिंपल है, और इसको घर में बनाया गया है हाथों से। तो अभी मैं कर लेती हूँ सिलाई। तो गाइस अभी हो गई है सिलाई का काम, और मैंने 3 पेकॉक सिलाई कर ली है, और बाकी का जो कपड़ा है मैं बाद में सिलाई करूँगी। और अभी मुझे कुछ घर का काम भी करना है गाइस, तो इसीलिए। अब लोग ये देखिए गाइस, ये सरसों का साग है और चौलाई साग भी है, यहाँ में मेरी माँ लेकर आई है बाजार से, और इस सीजन का ये पहला साग है जो आज हम लोग पका के खाने वाले हैं, और साग में बहुत स्वादिष्ट भी होता है ये साग। तो ये सब मैं निकाल लेती हूँ, और ये हमारे फेवरेट साग है गाइस। अभी बनाने के लिए गाइस, और ये सब रात के लिए रखूंगी गाइस, और ये सब जो बांधा हुआ रस्सी है मैं खोल लूंगी, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाता है ये सब। तो इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा गाइस, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, और इसमें देंगे लहसुन, और ये कुछ काटा हुआ प्याज, अब मैं दूंगी ऑयल, ज़्यादा नहीं देना आपको, थोड़ा सा देना है। अभी देंगे स्वाद अनुसार नमक, और ये सब प्याज दे दूंगी, और ये मैंने दे दिया सब, और ये साथ में दाल और पपीता बॉईल कर रही हूँ गाइस। तो ये देख सकते हैं अब लोग, ये होने वाला है, और इसका पानी जो है सूख रहा है। तो ये देखिए गाइस, ये पक गई है, और इसको मैं निकाल लूँगी अभी। तो ये देखिए गाइस, ये रेडी हो गया है खाने के लिए, और अभी मैं इसी से खाऊंगी खाना दोपहर का। और ये है स्ट्रिक्स का हेयर कलर जो सिनेमन रेड कलर का है, हम इसको निकाल लेती हूँ मिक्स करने के लिए। हमें ये मिलते हैं, ये कंडीशनर 2 पैकेट में मिलते हैं, ये हमें
ढेर है ग्लव्स, यानी ये वाला सब रख देती हूँ, फिर इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ ये दोनों को। देखो गाइस मिक्स कर लिया मैंने, अभी अब लगाने के बारे में इसका खुशबू बहुत गंदे है। ग्लव्स पहन लेती हूँ, मेरे तो सारे कलर लग जाएगा हाथ में, इसलिए अब स्टार्ट करती गाइस फाइनली मैंने अपनी हेयर को वॉश कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं ये कलर थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो अभी मेरा हेयर भी गीला है गाइस और मेरे पास हेयर ड्रायर भी नहीं है, तो ये मेरी मेन प्रॉब्लम है। अभी मैं ड्राई नहीं कर सकती और अभी शाम भी हो रहे हैं और जब तक ड्राई हो जाएगा मेरा ये हेयर तब तक रात हो जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमें थोड़ा हेयर हो गया है क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं लगाया था और इस टाइप में ना मैंने ज़्यादा लगा ली शायद, तो कोई बन नहीं मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं पार्लर शार्लर में तो नहीं जाती लगाने के लिए, इसे मैं लगा लेती हूँ अपने लिए खुद के लिए, तो इसलिए तो आज के लिए बस इतना ही है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये मेरा भाई का पार्सल है गाइस, जब मैं वीडियो बना रही थी तब ये लेकर रहे, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इसमें क्या है, तो खोल लेती हूँ मैं। तो ये देखिए गाइस ये ब्लैक टोपी है, अभी मैं निकाल लेती हूँ इसको। तो ये प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा आया है गाइस, ये मैं लगा लेती हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ये वॉच सुंदर आया है, ये ब्लैक कलर का और ये चश्मा के ब्लैक, सब ब्लैक है सब ब्लैक। और ये गाइस ना इतना ये सस्ता में मिलता है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया मेरा भाई ने, तो ये ना कम दाम से मिल गया, ये 300 में से सिर्फ 300 ही है गाइस। आप लोग भी तो गाइस कैसे लग रही हूँ मैं, खोल लेती हूँ, पूरा अंधेरा छाया हुआ है मेरी आंखों में इसलिए। तो आज के लिए बस इतना ही है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।